किधर हो छोटे? देखो मैंने तुम्हें अपनी पूरी लव स्टोरी सुना दी, रामकली का मुजरा भी देखा, शराब भी पी, लेकिन तुम हो के अपना भाव कम करने के लिए तैयार ही नहीं हो यार। बताते ही नहीं हो के जिसने इस पत्थर में दरार डाल दी वो किधर है। अगर मुझे वो पता होती किधर है तो मैं इधर थोड़ी होता। क्या मतलब? मतलब ये, मुझे पता नहीं, वो मेरी जिंदगी से चली गई, मेरी जिंदगी को लेके चली गई। लेकिन क्यों चली गई? रीजन क्या था भाई? मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया छोटे, इतना बुरा किया कि मैं बता भी नहीं सकता। इम्पॉसिबल, मेरा भाई किसी के साथ बुरा सलूक कर ही नहीं सकता। मैं उसे पहचान नहीं सका छोटे। जिंदगी में कभी कभी कोई मिल जाता है तो मालूम पड़ता है कि क्या पाया, लेकिन जब वो चला जाता है तब मालूम पड़ता है कि क्या खो दिया। दुख तो इस बात का है छोटे कि उसने मुझे प्रायश्चित करने का मौका भी नहीं दिया, सजा भी नहीं दी मुझे, लेकिन मैंने खुद को सजा दी। मैं जिंदगी में शादी नहीं करूंगा, वो जगह किसी और को नहीं दूंगा जो उसकी थी। ए भाई बस आगे मत बोल, तेरी आंखों ने सब कुछ बोल दिया। लेकिन भाई तू कैसा भाई है, इतना बड़ा गम तूने अकेले ही उठाया, मुझे नहीं बताया? भाई समझ के नहीं दोस्त समझ के ही बता देता, मैं तेरा दोस्त भी हूं ना भाई। छोटे अपनों को खुशियां बांटी जाती हैं, गम नहीं। नहीं भाई नहीं, आज से ये काम तेरा नहीं मेरा है। मैं ढूंढूंगा उसे, मैं उससे माफी मांगूंगा और अपने हाथों से तेरी दुल्हन बनाऊंगा। वैसे भाई इस पत्थर में दरार डालने वाली का नाम क्या है? वर्षा। अरे छोड़ यार वर्षा की बातें, तू अपनी वाली का बता, कैसी है, खूबसूरत है? बहुत खूबसूरत है, इससे ज्यादा खूबसूरत लड़की मैंने तो नहीं देखी। तू इसलिए बोल रहा है छोटे क्योंकि तूने मेरी वाली को नहीं देखा? और भाई तुम इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुमने मेरी वाली को नहीं देखा? I'm sorry यार, मेरी वाली से खूबसूरत और कोई लड़की नहीं हो सकती। लगी शर्त, एंगेजमेंट वाले दिन मेरी वाली को देखकर खुद ही फैसला कर लेना भाई। मेरा चैलेंज है कि उसका चेहरा देखकर आपके चेहरे का रंग मूड आएगा। लग गई? लग गई। मुंशी जी हुकम मत, पंडित जी के पास जाकर करण की सगाई और विवाह का मुहूर्त जल्दी से निकलवाओ और बोलना जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा है। जी हुकम मासा। बाबू जी वो दुखता है। अरे अगर मासा को पता चलेगा कि कल रात को हम कहाँ गए थे तो इतने जूते पड़ेंगे कि हम दोनों के सर गंजे हो जाएंगे। भाई वो सर ही क्या जिस पे जूते ना पड़े हो, पर चाहे वो माँ के हो या आशिक के। अरे वाह आजकल तू बहुत चेक रहा है छोटे, लगता है कल रात की उतरी नहीं। उतरेगी कैसे, जालिम अभी तक आंखों में नाच रही है। कल जब वो दिल पकड़कर बोल रही थी बाबूजी बहुत दुखता है, तो दिल करता था दवा की पट्टी बनकर लिपट जाओ। तू तो मुझसे भी चार कदम आगे निकला है छोटे, लेकिन अगर पायल को पता चलेगा तो क्या होगा? यही तो आइडिया है भाई कि पायल के आने से पहले अपनी आखिरी आजादी का जश्न बना ले और ऐसा बनाए कि रामकली के बाबूजी को धोखा दे। रामकली के बाबूजी को नहीं छोटे, रामकली को धोखा दे। भाई छोटी जा जाकर दोनों को उठा और कहना मैं बुला रही हूँ। हुक्म रानी साहब, दिल्ली शहर में मारो घाघरो जो घूमियो। लो हुकुमा
अभी तक तैयार नहीं हुए और मासा नाश्ते में इंतजार कर रही हो छोटे। लगता है छोटी ने सब कुछ बता दिया। तुम्हारे चक्कर में मैं बदनाम हो गया। अरे वाह छोटे, देख ऐसी बदनामी हर मर्द को चाहिए। तुझे छोटी को कमरे में बुलाकर इनाम दे देना चाहिए था। जो इनाम मुझसे दिलवा रहे हो वो खुद ही दे देना। अपना तो लाइसेंस जब्त हो गया। आओ आओ भांजे आओ। क्या बात है मामा जी, बहुत जोर से हंस रहे हो आप लोग। तुम्हारे मामा जी ने एक जोक सुनाया। तो आप लोग मामा जी के जोक पे हंस रहे थे। तो तू क्या सोच रहा था, वो बेडरूम वाले बात पे हंसेंगे? बेडरूम वाली बात? कुछ नहीं कुछ नहीं, भाई तो मजाक कर रहे थे। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा मासा, अगर आपको यकीन नहीं आता तो छोटी से पूछ लीजिए। बोल छोटी। हाय राम, अब मैं क्या बोलूं, मारी तो बोली बंद हो गया। बताना क्या बात है। मैं बताता हूँ, मैंने छोटी के लिए लड़का देखा है ना, उसी की फोटो दिखा रहा था। क्यों छोटी, कैसा लगा फोटो? छोटे दरबार, बुधापेट से आपके लिए फोन है। हाय पायल। हाय। अच्छा ये बताओ कब आ रही हो? आई एम मिसिंग यू यार। आई एम मिसिंग यू टू। हेलो करण। हेलो। ये क्या मजाक है, ये मेरा प्राइवेट फोन है। अरे जब तू प्राइवेट नहीं है तो ये फोन कैसे प्राइवेट होने लगा? ला दे, आवाज सुनने दे। मुझे भी भाभी से बात करनी, मुझे दीजिए। हेलो। हाँ 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 करें, मेरी भी बहू से बात करवा दे। और मारा भी प्रणाम कह दिया। और कहना हेलो, वहाँ क्या हो रहा है? आते आते नेल पॉलिश के नए नए शेड लाए मम्मी जी के लिए। एक मिनट एक मिनट, सबसे पहले मैं बात करूँ। ला दे, बात करोगे? ए छोटे, ए भाई देखो, ए रुक जा, ए भाई छोड़, मेरे को बात करने दे। अरे फोन दे मुझे। नहीं नहीं दूंगा। अरे बात तो करने दे मुझे। अरे जाना। ए छोटे रुकता के नहीं, ए छोटे, अरे रुक। अरे भाई, अरे छोड़ ना भाई। ए भाई देखो, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो करण? अरे यार ये मेरा भाई है ना, ये हमें बात नहीं करने देगा। तुम पहले इसे बात करो। लो। हेलो। हेलो। हेलो, मैं श्रवण बोल रहा हूँ। ये ले। कुछ सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलिए। हेलो। शायद वो मुझसे बात नहीं करना चाहती, तू बात कर। हेलो। 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 कैसी हो? ये शोर कैसा हो रहा है? अरे यार तुमसे बात करने के लिए सारा परिवार जमा हो गया था। तुमने क्यों नहीं बताई, इतनी बड़ी फैमिली है तुम्हारी। तुमने मुझे कभी अपने बारे में बताने का मौका नहीं दिया, फैमिली के बारे में कैसे बताता? कौन कौन है घर में? सब है, माँ है, भाई है, बहने हैं, बहनोई है, कमी है तो सिर्फ तुम्हारी। कब आ रही हो? अगले संडे। अगले संडे। अगले संडे। छोटे दरबार की मंगेतर विलायत से आ गई है। मासा ये पायल है। जीती रहो। मामी। नमस्ते। खुश रहो। बड़ी बहन। हेलो। हेलो। छोटी। हाय। हाय। चुप चुप जी, बहुत झूठ बोलता है ये करण। क्यों इसके सामने इज्जत उतार रही हो मासा?
मैंने क्या झूठ बोला? तुमने तो कहा था पायल बहुत खूबसूरत है। क्यों नहीं है? सिर्फ खूबसूरत? ये तो चांद उतर आया है हमारे आंगन में। तो कम से कम ढूंढने का क्रेडिट तो दो। यह हमारे परिवार की परंपरा है, आज से लेके सगाई की रस्म तक कोई मर्द तुम्हारा मुंह नहीं देखेगा। मेरी भाभी कितनी सुंदर है ना। ए भैया भैया, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे घर की परंपरा है कि भाभी को कोई भी परामर्द नहीं देख सकता। चल परंपरा वाली देख। कहा मासा? भैया भैया, भांजे कहाँ घुसे जा रहे हो? मासा का हुक्म है कि कोई भी मर्द दुल्हन का मुंह नहीं देख सकता। अरे बात तो सुनो ना। अरे चल जाओ यहाँ से। अरे अरे मैंने कहा जाओ यहाँ से, जाओ। अरे यार करण, ये लोग तो सूरत भी नहीं देखने दे रहे। मासा का हुक्म है भाई, सगाई से पहले कोई मर्द पायल को नहीं देख सकता। अरे मैं भार वाला थोड़ी हूँ, तेरा भाई हूँ। भाई अगर तुम ना ही देखो तो अच्छा है। क्यों? मैं फिर कहता हूं भाई, शर्त वापस ले लो। पायल का मुंह देखोगे तो मुंह छुपाना भारी पड़ जाएगा। बहुत उड़ रहा है ना छोटे, जिस दिन तू वर्षा की शक्ल देखेगा ना तो तेरी बोलती बंद हो जाएगी। तुम्हारी मर्जी, मैं तो सिर्फ समझा रहा था कि जितने दिन नहीं देखोगे उतने दिन खुश रहोगे। तो देख लेंगे सगाई के दिन। डन डन। अटे रखो, चलो रखो यहां, हटो, घनी देर हो रही है, किसको यहाँ से, चलो। करण यहाँ आइए भांजे, आइए 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 करण बाबू, आइए आइए। अंगूठी पहने, अंगूठी। करण, बहू का घूंघट उठा के चेहरा नहीं दिखाओगे सबको? मासा, ये घूंघट जरा भारी है, इसको उठाने का काम भाई करेगा। भांजे ये अदालत नहीं है कि जुर्म तुम करो और जज के सामने खड़ा हो तुम्हारा वकील। बात यह है मामा जी, मेरा भाई मेरा गुरु भी तो है। बचपन से लेकर आज तक जो भी सीखा इसी से सीखा, अब घूंघट उठाना भी यही सिखाएगा। अबे गधे, दुल्हन तेरी है, तुझे ही चेहरा देखना चाहिए ना। इसकी सूरत तो मैं सोते जागते लाखों बार देख चुका हूँ, आज मैं आपकी सूरत देखना चाहता हूँ कि हारते हुए कैसे लगते हैं। अच्छा, तुझे बहुत गलत फहमी है छोटे। तो फिर डर क्यों रहे हो? फैसला चार कदम पर है, पड़ाओ हाथ और उठाओ घूंघट, अभी पता चल जाएगा कि मैं जीता कि आप हारे। चलो चलो। Thank you.
ए भाई, ए भाई, भाई। ए भाई, इतनी छोटी सी हार को दिल से लगा लिया, पार्टी छोड़कर आ गए और वो काम कर डाला जो आज तक नहीं किया, अकेले बोतल खोल ली। लेकिन भाई, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि शर्त मत लगाओ, हार जाओगे। अब तुम पियो हारने के गम में और मैं पीता हूं जीतने की खुशी में। लेकिन भाई, मेरी जीत अधूरी है जब तक तुम अपने मुंह से नहीं कह देते कि कैसी है मेरी महबूबा। बोलो ना भाई। अच्छी है। सिर्फ अच्छी है? अरे बहुत अच्छी है छोटे। भाई क्या कंजूसी कर रहे हो भाई, खुल के बोलो ना। तारीफ करनी है तो तारीफ की तरह करो, कहो कि इतना हसीन चेहरा नहीं देखा, इतनी रोशन आंखें नहीं देखी, खूबसूरत मुस्कुराहट नहीं देखी और इतनी सच्ची मोहब्बत नहीं देखी। तुझे पीने से पहले ही चढ़ गई छोटे। अरे भाई, ये नशा उसका है जो मेरी जान है, मेरी सांस है, मेरी जिंदगी है, बल्कि जिंदगी से भी ज्यादा है। मुझसे भी ज्यादा छोटे। ये क्या पूछ लिया? एक मोहब्बत दूसरी मोहब्बत का मुकाबला नहीं करती। पायल बेशक मेरी जान है, लेकिन तुम मेरे भगवान हो जो जमीन पर सिर्फ मेरे लिए आए हो। हरामजादी, मुझसे बदला लेने के लिए मेरे भाई को फांसना चाहती है तू? तू हार गया। तू हार गया श्रवण धारीवाल, तू हार गया। साथ रहने का वादा किया था, ये अकेले कैसे जा सकती है? ये अकेले नहीं जा सकती। मैं जानती थी तुम जरूर आओगे, ये जानने के लिए कि जिसे मर जाना चाहिए था वो जिंदा कैसे है।
तुमने जिसे बाजार भेजा था वो तुम्हारे भाई की दिल तक कैसे पहुंच गई? यही बात है ना श्रवण? या इरादा कुछ और है? मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो और करनी भी चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो नफरत के काबिल है। लेकिन एक बात बता दूं वर्षा, तुम्हारे ताने उस सजा से बहुत कम है जो मैंने अपने आप को दिया है। दूसरों को दगा देने वाला खुद को सजा दे सकता है? लगता है कोई नई चाल है। यह चाल नहीं है वर्षा, पछतावा है। मैं सच कहता हूं वर्षा, तुम्हारे जाने के बाद जब मुझे एहसास हुआ तब मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। तुम्हारे घर भी गया तुम्हें अपनाने के लिए, लेकिन तुम जा चुके थे और किसी को पता भी नहीं था कि तुम कहां गई। मैंने बहुत ढूंढा तुम्हें वर्षा, बहुत ढूंढा। रियली? तुम मुझसे माफी मांगने, मुझे अपनाने मेरे घर आए थे? हाँ वर्षा। और तुम समझते हो मैं तुम्हारी इस कहानी पर विश्वास कर लूंगी? मेरे यकीन करो वर्षा, मैं अपने भाई करण की कसम खाता हूँ। मत खाओ करण की कसम, उस भगवान जैसे आदमी का नाम भी मत लेना। मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता, जिस घर में तुम जैसा रावण हो वहां राम कैसे पैदा हो सकता है? मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं वर्षा? कोशिश भी मत करना, ये आंसू, ये कसमें, ये शर्मिंदगी एक बार पहले भी देख चुकी हूं। उस वक्त मैं धोखा खा गई थी श्रवण धारीवाल, अब नहीं खाऊंगी। अब मैं जान गई हूं सांप चाहे जितनी बार भी खाल बदले रहता वो सांप ही है। तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ ही वर्षा, सजा मुझे दो, बदला मुझसे लो, लेकिन मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद मत करो प्लीज। जरा सोचो वर्षा, अगर करण को जरा सा भी शक पड़ गया ना कि तुम्हारा और मेरा संबंध क्या था तो वो आत्महत्या कर लेगा। मैंने करण को सब कुछ बता दिया है, हाँ सिर्फ तुम्हारा नाम लेना बाकी है। लेकिन तुमने मेरे और करण के बीच आने की कोशिश की तो मैं वो भी बता दूंगी। नतीजे के जिम्मेदार तुम होगी। इससे पहले कि मैं शोर मचा के घर वालों को बुलाऊं, गेट आउट।